नमस्कार, मैं हूं अखिल पारसर और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। शिपिंग उत्पादन में चीन के थ्री गॉर्जेस बांध ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। क्वांगचो में 2023 अंडरस्टैंडिंग चाइना सम्मेलन शुरू हुआ। तुर्की के पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है बुरा असर। अब समाचार विस्तार से। चीन के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि थ्री गॉर्जेस बांध के जरिए 2023 में रिकॉर्ड तोड़ शिपिंग उत्पादन हुआ। यह दुनिया की सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए फ्लो कैपेसिटी 16 करोड़ टन तक पहुंच गई, जो कि पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है। आंकड़ों की माने तो शिप लॉक के जरिए 15 करोड़ 60 लाख टन और शिप लिफ्ट के जरिए 43 लाख 80 हजार टन का शिपिंग उत्पादन दर्ज हुआ। चीन के परिवहन मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस बांध के जरिए इस साल करीब 5,47,000 टन सामान की आवाजाही और 21.5 लाख टूरिस्टों का आना जाना मुमकिन हुआ, जिससे यांगसे नदी की आर्थिक बेल्ट को काफी फायदा पहुंचा है। दक्षिण पश्चिमी चीन में विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए रेलवे का एक नया खंड खोला गया। यूनान और तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के नियोजित रेलवे लिंक के तौर पर यूनान प्रांत के दो मशहूर शहर लीचांग और शांग्रीला को जोड़ने वाली यह रेलवे लाइन जनता के लिए खोल दी गई है। इस नई रेलवे लिंक के खुलने से दोनों शहरों के बीच का सफर केवल 1 घंटा 18 मिनट का हो गया है। 139 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन टीचिंग को खुनमिंग से भी जोड़ती है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि नई रेलवे लाइन का मतलब विकास के ज्यादा अवसर है। इसके खुलने से टीचिंग में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी। 2023 अंडरस्टैंडिंग चाइना कॉन्फ्रेंस 1 दिसंबर को दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत के क्वांगचो में शुरू हुआ और इसमें कई चीनी और विदेशी प्रतिनिधियों ने शिरकत की। 3 दिसंबर को खत्म होने वाले इस सम्मेलन का विषय चीन के नए और अभूतपूर्व प्रयासों और साझा भविष्य वाले समुदाय का निर्माण के तहत प्रतिनिधियों के विचारों का आदान प्रदान है। इसमें चीन में भारत के पूर्व राजदूत अशोक कंठ भी शामिल हुए। आपको बता दें कि साल 2013 में पहली बार आयोजित की गई अंडरस्टैंडिंग चाइना कॉन्फ्रेंस का इस साल का यह 6ठा सत्र है। यह बड़े पैमाने का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। पश्चिमी उत्तर चीन का सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश अपने शीतकालीन पर्यटन संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। सुंदर नजारों और लोक गतिविधियों के कारण यह टूरिस्टों की पहली पसंद बन गया है। तियनछिर झील के मनमोहक नजारों में पर्यटक सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों और नीले आसमान के अलावा कांच से साफ जगमगाती झील के साथ तस्वीरें लेने से खुद को नहीं रोक पाते। इतना ही नहीं, टेकेस काउंटी में बर्फ से ढके घास के मैदानों पर घोड़े की कला पर आधारित गतिविधियों की एक कड़ी भी शुरू की गई है। बर्फ की मोटी परतों के बीच दौड़ते घोड़े के झुंड नजारों को और ज्यादा लुभावना बनाते हैं। हंगरी में एक असाधारण घटना देखने को मिल रही है, क्योंकि रिकॉर्ड संख्या में सारस अनुकूल परिस्थितियों के चलते मध्य यूरोपीय देशों में ठहरना पसंद कर रहे हैं। सामान्य सारस आमतौर पर सितंबर के महीने में उत्तरी यूरोप से अफ्रीका तक मौसमी प्रवासन शुरू कर अक्टूबर के अंत तक खत्म कर देते हैं। हालांकि इस साल गर्म मौसम और हंगरी में भोजन आपूर्ति के कारण पक्षियों की दक्षिण की ओर यात्रा करने में देरी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण न केवल सारसों ने शीतकालीन प्रवास स्थलों को बदला है, बल्कि अपने प्रजनन के लिए हंगरी का विकल्प चुना है। यह बदलाव महाद्वीपीय यूरोप में सारसों की कुल जनसंख्या में योगदान देता है। आंकड़ों की माने तो अभी तक 1,94,000 पक्षियों की गिनती की जा चुकी है, जो पिछले साल 1,60,000 सारसों की तादाद से कहीं ज्यादा है। गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के कारण तुर्की में सैलानियों की संख्या लगातार घटती नजर आ रही है। इसराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई ने पर्यटन उद्योग पर खासा असर डाला है। तुर्की में कुछ पर्यटन एजेंट्स ने देश के भीतर भी कम होते पर्यटन की सूचना दी है। एक पर्यटन एजेंट ने बताया कि अमेरिका से आने वाली करीब 30-40% बुकिंग सुरक्षा चिंताओं के चलते रद्द हो गई। वहीं तुर्की के टूरिज्म हॉटस्पॉट अंताल्या के कुछ होटल ऑपरेटरों ने तुर्की में इजरायली टूरिस्टों की गिरावट पर भी चिंता जताई है। पिछले साल तुर्की का टूरिज्म रेवेन्यू 46 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गया था। 2023 के अंत तक 55 अरब डॉलर कमाने का लक्ष्य है, जिसे पूरा कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा इजरायली बंदरगाहों की ओर जा रहे कई क्रूज जहाजों को लड़ाई शुरू होने पर अपना रास्ता बदलकर तुर्की की ओर मुड़ना पड़ा, जिससे तुर्की क्रूज उद्योग में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फायदा केवल थोड़े समय के लिए ही है। आइसलैंड प्राधिकरण इन दिनों दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट के खतरों के बीच लावा प्रवाह से बचाने के लिए जियोथर्मल पावर प्लांट के चारों ओर सेफ्टी दीवारें बना रहा है।
भूकंपीय गतिविधि और विस्फोट के खतरे के चलते 4000 मछुआरों की आबादी वाले शहर ग्रिंडविक को पहले ही खाली करवा लिया गया है। संभावित लावा प्रभाव का देश पर व्यापक असर हो सकता है, क्योंकि स्वार्टसेंगी पावर प्लांट विस्फोट स्थल से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। स्थानीय अधिकारी यूरोपीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर ठंडे पानी के इस्तेमाल से लावा को ठंडा करने पर भी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। एड्स एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसकी चपेट में हर साल कई लोग आते हैं। HIV वायरस से फैलने वाली यह गंभीर बीमारी समय पर इलाज ना मिलने से जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसे लेकर सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अभी तक इस बीमारी के लिए कोई दवा या टीका बनाया नहीं जा सका है। HIV संक्रमित लोगों के लिए सपोर्ट दिखाने और एड्स रोगियों को साहस देने के लिए हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। साल 1988 में वर्ल्ड एड्स डे को पहले अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य HIV टेस्ट, रोकथाम और देखभाल तक पहुंच में बाधा डालने वाली समस्याओं को दूर करने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही समावेशिता और समानता के महत्व को भी बढ़ावा देना है। हर साल संयुक्त राष्ट्र के संगठन, दुनिया भर के देशों की सरकारें और नागरिक समाज HIV से संबंधित कुछ समस्याओं पर केंद्रित अभियानों की वकालत करने के लिए एक साथ आते हैं। इसलिए इस दिन के महत्व और इस साल की थीम के बारे में जानना जरूरी है। इस साल वर्ल्ड एड्स डे की थीम लेट कम्युनिटीज लीड, यानी समुदाय नेतृत्व करे, तय की गई है, जो HIV प्रतिक्रिया और वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने में समुदायों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। UN एड्स के अनुसार इसका मतलब है कि एड्स को खत्म करने की लड़ाई में बाधा डालने वाले कारकों को खत्म करने के लिए सभी को काम करना चाहिए। दरअसल वर्ल्ड एड्स डे यह सोचने का समय देता है कि हम कितना आगे आ गए हैं और उन समस्याओं को समझे जिन्हें हमें अभी भी 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए हल करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, यह दिवस HIV प्रतिक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को संयुक्त रूप से प्रयासों को दोगुना करने के लिए एकजुट करने का एक अवसर भी है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में दुनिया भर में 3,86,00,000 लोग HIV के साथ जी रहे थे और करीब 6.5 लाख लोगों की मौत HIV के कारण हुई। HIV से पीड़ित 3,86,00,000 लोगों में से 3,67,00,000 लोग 15 वर्ष से अधिक आयु के थे और 17,00,000 लोग 15 वर्ष से कम आयु के थे। WHO के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 15 से 49 वर्ष की आयु के लोगों में HIV का प्रसार साल 2021 में 0.7% था। उधर भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2021 में करीब 42,000 लोगों की मौत एड्स संबंधित बीमारियों के कारण हुई। ऐसे में दुनिया भर के लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। वहीं चीन में HIV की बात करें तो चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 के अंत में चीन में 10 लाख से अधिक लोग HIV के साथ जी रहे थे और 2020 के अंत तक देश में कुल 35,100 मौतें हुई। यहां अधिक HIV के 95% से अधिक मामले सेक्सुअल ट्रांसमिशन के माध्यम से संक्रमित हुए थे। देखा जाए तो जब से HIV के बारे में पता लगा है तब से वायरस से पीड़ित लोगों ने बहुत ज्यादा भेदभाव और सामाजिक कलंक का अनुभव किया है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में HIV के फैलने और वायरस के साथ जीने की वास्तविकताओं के बारे में गलत धारणाएं मौजूद हैं, जो प्रभावित लोगों को सामना करना पड़ता है। लोग अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि HIV कैसे फैलता है। समझ की यह कमी HIV से पीड़ित लोगों के लिए जीवन को कठिन बना देती है। HIV के कारण लोगों के साथ बुरा व्यवहार होने की समस्या को रोकने के लिए हमें हर किसी को HIV के बारे में और अधिक सिखाने, इसके बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरह का कोई बुरा व्यवहार ना हो। हमें इसके लिए नई तकनीक और मेडिकल प्रगति के बारे में जानकारी साझा करनी चाहिए। हमें समाज में अनुचित चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है, जिससे लोगों में HIV होने की संभावना बढ़ जाती है। हर किसी को अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए और हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर किसी को वह सहायता मिल सके जिसकी उन्हें आवश्यकता है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।